डॉक्टर एयर पॉकेट का पता लगाएं जहां मनुष्य का मस्तिष्क का हिस्सा होना चाहिए। मेडिकल जर्नल बीएमजे केस रिपोर्ट में प्रकाशित डॉक्टरों ने छवियों से बहुत परेशान किया था। 84 वर्षीय व्यक्ति आपातकालीन कक्ष में उन शिकायतों के साथ पहुंचा, जो उनकी उम्र के लिए एक सामान्य नहीं थे। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अस्थिरता की सूचना दी थी। हाल के हफ्तों में बार बार गिरने के बाद 3 दिन में अपने अस्पताल के दौरे के दौरान उसके बाएं हाथ और पैर में काफी कमजोर था। फिर भी आदमी के मेडिकल इतिहास में कोई लाल झंडे नहीं थे। उसने धूम्रपान नहीं किया, वह शायद ही कभी पिया। एक रक्त परीक्षण का पता चला कोई असामान्य नहीं, कोई भ्रम नहीं हुआ। चेहरे की कमजोरी, दृश्य या भाषण की गड़बड़ी हुई। चिकित्सकों ने 27 फरवरी को मेडिकल जर्नल में बीएमजे केस रिपोर्ट में प्रकाशित व्यक्ति के सारांश में कहा था, वह अन्यथा फिट और अच्छी तरह से दैनिक जीवन की शारीरिक गतिविधियों से स्वतंत्र था और अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ घर पर रहता था। दूसरे शब्दों में डॉक्टरों ने सोचा वहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं था जो उनके लक्षणों का स्पष्ट कारण सुझाएगा। एक तरह से वे गलत नहीं होगा। यह सीटी और एमआरआई के स्कैन के बाद ही था कि रोगी की मेडिकल टीम ने एक खतरनाक खोज की, जहां उसके दिमाग के आदमी का सही सामने का लोब होना चाहिए था, वहां बस एक बड़ी जगह थी। फिनले ब्राउन, एक चिकित्सक जो समय पर उत्तरी आयरलैंड के कोलेरेलिन के कॉजवे अस्पताल में आपातकालीन विभाग में काम कर रहे थे, याद करते हैं कि बाकी सभी कर्मचारियों के साथ ब्रेन इमेजिंग स्कैन की समीक्षा की जा रही है। हम सभी चित्रों से बहुत उलझन में थे, ब्राउन ने वाशिंगटन पोस्ट को एक ईमेल में बताया। स्कैन बहुत चरम थे। डॉक्टरों ने आश्चर्य किया कि अगर आदमी पिछले मस्तिष्क की सर्जरी या जन्म दोषों को खुलासा करने के लिए भूल गया था, उन्होंने कहा कि वह नहीं था। ब्राउन ने कहा कि मनुष्य को न्यूमोसेफेलस या उसके कपाल में वायु की उपस्थिति निकली। एक ऐसी स्थिति है जो मस्तिष्क की सर्जरी के बाद लगभग 100% मामलों में पाया जाता है। ब्राउन ने कहा यह साइनस संक्रमण और सिर या चेहरे की चोटों के बाद भी हो सकता है, लेकिन हवा या गैस की जेब जितनी छोटी हो, इस मामले में मरीज की न्यूमेटेसेले या दबाव वाले हवा का गुहा बीएमजे के केस रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी सबसे लंबे समय तक लगभग 3.2 इंच मापा जाता है। ब्राउन ने दापोस को बताया, मामले की रिपोर्ट लिखने के लिए मेरे शोध में मुझे इस तरह के एक समान प्रकृति के बहुत सारे दस्तावेजों को ढूंढने में सक्षम नहीं था। ब्राउन ने कहा है कि न्यूमेटेसेले के संभावित कारण एक एमआरआई दिखाएगा, एक ऑस्टोमा या सौम्य हड्डी ट्यूमर जो आदमी के साइनस में बना था और खोपड़ी के आधार के माध्यम से खिसक रहा था। ब्राउन ने कहा ट्यूमर के गठन और स्थान ने एक तरफ वाल्व प्रभाव के कुछ हिस्सों की अनुमति दी थी जो धीरे धीरे क्रेनियल एयरगोहा में योगदान दिया था, उन्होंने कहा। ब्राउन ने कहा विशेषज्ञों से बात करने से ऐसा लग रहा है कि यह महीनों से अधिक वर्षों तक लुभाने वाली प्रगति कर रहा है। जब रोगी को सांस लेने छींकित पूछ किया जाता है तो वह अपने सिर में हवा की थोड़ी मात्रा को धक्का देगी। बीएमजे केस रिपोर्ट्स के अनुसार हवा के गुहा को एक छोटे से स्ट्रोक के एक दुर्लभ कारण के रूप में भी रिपोर्ट किया गया था, जिसकी वजह से बाएं की कमजोरी और अन्य लक्षणों से मनुष्य के अस्पताल की यात्रा को प्रेरित किया गया था। ब्राउन ने कहा कि रोगी सर्जरी कर सकता था, एक जो अपने सिर में हवा की जेब को दबाएगा और दूसरे ट्यूमर को खत्म कर देगा जिसने एक तरफ वाल्व बनाया था और पहले स्थान पर हवा को गुहा में ले जाने की अनुमति दी थी। हालांकि आदमी ने अपनी आयु और अन्य स्वास्थ्य कारकों के कारण दोनों को अस्वीकार कर दिया। उन्हें एक माध्यमिक स्ट्रोक को रोकने के लिए दवा दी गई थी और मॉनिटर करने के लिए आदेश के साथ घर भेज दिया गया था कि क्या उसकी बाईं ओर कमजोरी बिगड़ गई है।
उनका निंदात्मक दृष्टिकोण जोखिम के बिना नहीं है। संभावना है कि मरीज को संक्रमण का अधिक खतरा होगा, क्योंकि हवा के लिए एक मार्ग रहता है और इसलिए बैक्टीरिया और वायरस अपने मस्तिष्क गुहा में। ब्राउन ने कहा, दुर्भाग्य से जैसा कि कई मामलों में प्रकाशित नहीं किया गया है। ब्राउन ने कहा कि सटीक पूर्वानुमान का पता होना कठिन है। अभी तक हालांकि क्रेनियल एयर पॉकेट के बावजूद यह आदमी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अपने अस्पताल के दौरे के 12 हफ्तों के बाद अनुवर्ती नियुक्ति के दौरान मरीज को अपने बाईं तरफ कमजोरी नहीं महसूस हुई और अपने केस स्टडी के मुताबिक अच्छा रहा। ब्राउन ने लाइफ साइंस से कहा कि वह इस केस स्टडी को प्रकाशित करना चाहते हैं ताकि लक्षणों का सबसे आम जांच पूरी तरह से हो सके, जैसे कि एक ऑक्टाजनिनी के लगातार गिरने और असंतुलन को आसानी से लिखा जा सकता था, क्योंकि हर अब और फिर वहां दुर्लभ या इन अनदेखी कारणों को अनदेखा किया जा सकता है। उन्होंने विज्ञान समाचार साइट को बताया।